क्या हाल है मेरे प्यारे से भाई लोग। तो भाई लोग यहाँ पर सब लोग कॉन्कर जा सकते हो, कैसे जा सकते हो, मैं यहाँ पर सब कुछ आपको लोग को समझाने वाला हूँ। और बहुत लोग कमेंट करके ये बोलते हैं भाई मेरे को यहाँ पर प्लस नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरे गेम में यहाँ पर हर एक गेम में एक नया दो चीटर आ जा रहा है। तो भाई कैसे सर्वाइव करना है और हम लोग को यहाँ पर कैसे प्लस निकालना, तो यहाँ पर मैं सब कुछ डिटेल में आपको वीडियो समझाने वाला हूँ। और पहले बोल रहा हूँ मेरा गेम प्ले ना बहुत ही प्यारा गेम प्ले होने वाला है, जिसमें आप लोग को मैं कुछ ऐसे भी क्लिप दिखाने वाला हूँ जिसमें मैंने हैकर के बीच में चिकन निकाला था। हो सकता है वो मेरी किस्मत है, पर यहाँ पर मैंने काफ़ी ट्राई करा था चिकन निकालने के लिए, तो वो भी मैं आप लोग को यहाँ पे शेयर करूँगा। तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उस चीज़ को आप लोग ध्यान से यहाँ पर सुन लो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो कभी भी आप देखते हो कि भाई इवेंट पे जब भी उतर रहे हो ना, तो कम से कम ऐसा सिचुएशन आता है ना कि हम लोग को गन तो मिल जाती है, पर गन मिलने में गन स्विच ही नहीं होती है। जो चाकू पकड़े रहते हैं ना भाई, उसी को लेके घूमते रहते हैं भाई। गन काफ़ी ट्राई करते हैं स्विच करने का, पर होती ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर पेटी बन जाते हो। काफ़ी बार मेरी यहाँ पर पेटी बनी हुई है, तो यहाँ पर मैंने डिसाइड करा अब की बार यहाँ पर इवेंट पे नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि ग्लिच हो रहा है ना, बहुत गंदा ग्लिच हो रहा है। तो अब क्या करना तुम लोग को, देखो कहीं भी आप लोग को लगता है कि यहाँ बग्गी कार कुछ भी है ना, तो उसको लेने थोड़ा लूट करो और सीधे रिकॉल पे आओ। और रिकॉल लेने के बाद यहाँ पर बंदे ढूंढ के मारो। मैं 101% बोल सकता हूँ कि आपका यहाँ पर रिकॉल भी वेस्ट नहीं होगा, और यहाँ पर आप 1v1 बंदों से इजी ले सकते हो, और यहाँ पर किल भी अच्छे खासे निकाल सकते हो। अगर आपके यहाँ पर 4-5 किल भी हो जाते हो, लास्ट में आपको 2-3 किल भी निकालोगे, तो प्यारा सा प्लस आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर पढ़ते हैं, जो तुम बोलते हो कि भाई गेम में चीटर आ रखा, तो अब क्या सीन होता है। जैसा कि आपने यहाँ पर रिकॉल लिया, रिकॉल लेने के बाद आपने बंदे मारे, और बंदे मारने के बाद आपकी फाइट होती है वो चीटर के साथ हो जाती है। जब आपको कन्फर्म है कि भाई गेम में चीटर है, उसने मेरे को यहाँ पर मार दिया है, अब सीन कुछ गड़बड़ है, करना क्या है। तो आप लोग को यहाँ पर ना सर्कल से काफ़ी दूर निकल जाना है, या आप लोग को अच्छा लगता है जो कि कहीं भी जर्की ले लो, या सिवरनी ले लो, या फिर कहीं भी तुम ले लो, या तुमको अच्छी लोकेशन लगती है कमेंस की साइड भी तुम जा सकते हो, या तुम अच्छे खासे परफेक्ट हो जाने में, वहाँ पर बंदे भी तुम स्पॉट कर सकते हो। और फिर वहाँ पर ना आप लोग को हीलिंग का सामान ज़्यादा उठा लेना है, और भाई फिर धीरे धीरे करके ना सर्कल में अंदर नहीं आना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। अगर आप इसके ऊपर भी चढ़ जाओगे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऊपर जाने के बाद एक इवेंट है, जो गटका के पास डॉट है उस पर एक इवेंट है, एंड वहाँ पर जाने के बाद बंदा मारता नहीं है, कोई हैकर नहीं मारता है, तो अगर वहाँ पर आप जा भी सकते हो ना, तो चले भी जाओगे ना, वहाँ पर भाई कोई ना कोई कैंपर पक्का खास में ही लेटा होगा, और आप उसको एंटर कर रहे हो ना, तो कोई मार देगा तो मैं भाई वैसे ही माइनस लग जाएगा। तो भाई यहाँ पर रिस्क मत लेना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कहीं पर अच्छी जगह चल जाना, हीलिंग का सामान उठाना, हीलिंग के बाद यहाँ पर अपना अच्छा खासा हील सर्वाइव करना, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर डेथ जोन में सर्कल में घुसना, ठीक है। जैसे यहाँ पर डेथ जोन बन जाना, तो आपको सर्कल में एंटर कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग को सर्वाइव पॉइंट निकल जाएंगे, और आपको जो किल दिख रहे होंगे शुरू शुरू में, उसके भी पॉइंट यहाँ पर इजी मिल जाएंगे, और आप लोग को यहाँ पर माइनस तो लगने वाला नहीं है, सीधे प्लस ही मिलेगा। तो अब यहाँ बढ़ते हैं गेम प्ले के ऊपर। यहाँ पर मैंने कम से कम भाई 6 किल कर चुका था, और यहाँ पर बस घूम रहे थे बंदा स्पॉट करने में, तभी ना मेरे को सामने बग्गी स्पॉट होते, जैसे मैं इसके पीछे लगता हूँ ना, अब ये बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत प्यारा था, यहाँ पर बग्गी रोकने के बाद मेरे से यहाँ पर फाइट लेता है। यहाँ पर इस बंदे ने मेरी काफी अच्छी एचपी डाउन कर दी थी, अब मेरे को यहाँ बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एमके थी। अब यहाँ पर पहले बंदे का फुट सुनता हूँ, ये करना क्या चाह रहा है। और यहाँ पर भाई इसको एम के जो हेड पड़े ना, आया मजे आ गया था, क्योंकि भाई इसको बहुत तगड़े हेड पड़ने के बाद ये बंदा यहाँ पर मर जाता है, और 7 किल मेरे हो चुके थे। उसके बाद ना यहाँ पर मैं कैप्सूल लेके बंदे स्पॉट करने के लिए निकल जाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ सिटी के साइड में, मुझे लगा चलो यहाँ पर ड्रैगन बॉल भी कलेक्ट कर लूँगा, अगर बंदा होगा तो उससे फाइट भी ले लेंगे। तभी ना मेरे को यहाँ पर अपार्टमेंट में साउंड आता है बंदे का, जैसे फाइट लेने के लिए मैं यहाँ पर उतरता हूँ ना, तभी ये बंदे ने भाई क्या ही एचपी मेरी यहाँ पर डाउन कर दी। उसके बाद पावर ओवर लेने के बाद मैं हेल्थ भी ले लेता हूँ, और इसको यहाँ पर डराता हूँ कि मैं यहाँ पर पावर मारूँ, पर भाई लौंडा मेरे पावर में आता ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ भाई ये बंदा है कहाँ पे, क्योंकि मेन चीज होता है ना कि बंदे का फुट, अगर तुमको यहाँ पर फुट क्लियर है कि बंदा है कहाँ पे। तुम बंदों को यहाँ पर इजी मार सकते हो। अब इस बंदे को मैंने हल्का हल्का डैमेज दिया,
उसके बाद जैसे मैं इस बंदे पे यहाँ पर रस करने जा रहा था, तो यहाँ पर पावर यूज़ करने का ट्राई कर रहा था, तभी ना इस बंदे को कोई दूसरे अपार्टमेंट से इस बंदे को भर देता है। तो मैं इस बंदे को स्पॉट करता हूँ जिसने मारा था। और जैसे ही बंदा पीछे की साइड भागता है ना, मैं इस बंदे को एमके से भर देता हूँ। यहाँ पर भाई एक और खेल मेरे खाते में जा चुका था। अब यहाँ पर मेरा टाइम था कि ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने की, तो यहाँ पर मैं सारी ड्रैगन बॉल कलेक्ट करता हूँ। कलेक्ट करने के बाद सीधा निकलता हूँ ओपन करने के लिए, क्योंकि भाई मुझे यहाँ पर विश मांगनी थी। क्योंकि यार जब तक एक पावर मिल जाती है ना भाई इस टाइम की भाई क्या क्या खतरनाक पावर होती है भाई, मेरे को तो बड़ा मज़ा आता है। आप लोग यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप वहाँ पर कौन सी विश मांगते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं विश मांगता हूँ। और जैसे यहाँ पर विश मांग रहा होता ना, तभी ना मेरे को यहाँ पर एक साउंड आता है भाई कैप्सूल का। अब तुम वाला सीन देखो, बहुत प्यारा सा खेल है वो, देखना बस। भाई इसके साथ तो बहुत ही गड़बड़ सीन हो गया। क्या सीन हुआ ना, ये बंदा अपना स्पीड बूस्ट लगाया, इसको दिखा मैं पापा पावर मार रहा हूँ, तभी बंदा यहाँ पर एग्जिट कर देता है। उसकी एचपी यहाँ पर काफ़ी डाउन हो चुकी थी और इसको मैं पावर से मार देता हूँ। और यहाँ पर मेरा पावर ऑवर लेने के बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। और मुझे यहाँ पर 100% बनता था कि ये बंदा अपनी पेटी लूटने यहाँ पर पक्का आएगा और मेरे से यहाँ पर रिवेंज भी लेने आ सकता है। तो इसीलिए ना मैं यहाँ पर इसी बंदे का एरस वेयरहाउस में आता हूँ और इसका वेट करता हूँ, क्योंकि अब मेरे यहाँ पर 9 किल भी हो चुके थे और रिकॉल भी ख़त्म हो चुका, तो मुझे यहाँ पर फाइट लेनी नहीं थी। अब एक ही तरीका था, इस बंदे का यहाँ पर वेट करते हो। मुझे 100% था कि ये बंदा यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर मेरे खाते में एक किल क्या पता और आ जाए। तभी ना मेरे को यहाँ पर कार स्पॉट होती है, बंदा आ चुका था अपनी गेट लूटने के लिए। अब यहाँ पर मेरे साथ ही गलत सीन होता है, वो देखो। मैं बस यहाँ पर कंफर्म करने के लिए ना सिर्फ 6 को फुल करता हूँ, उसका टैप टैप करके उसको मारता हूँ, तभी इसको डैमेज पड़ा था। अगर मैं इसको 6x का स्प्रे देता ना 3x कन्वर्ट करके, तो पक्का ये बंदा यहाँ पर मर जाता। और यहाँ पर काफ़ी ट्राई करता हूँ पावर मारने के लिए, पर लौंडा भाई फुल टू फुल यहाँ पर कवर में था। अब ये बंदा यहाँ पर गलती नहीं करने वाला था, तो यहाँ पर मेरा टाइम हो चुका था सर्कल में जाने के लिए। तो मैं यहाँ पर पावर को यूज़ करता हूँ, यहाँ से निकल जाता हूँ। और जैसे ही मैं जॉर्जपुर की साइड में आता हूँ, तभी मुझे वाला वेयरहाउस दिखता है खाली। अब जैसे मुझे जाता, मुझे लगा हो सकता है कि बंदा यहाँ पर कहीं होल्ड करके बैठा हो, तो यहाँ पर मैं पहले चेक करता हूँ। और आप भी हमेशा ये करा करो कि पहले यहाँ पर चेक कर लिया करो। जैसे मेरा फिर से यहाँ पर टाइम होता जाने के लिए सर्कल में, मैं यहाँ पर फिर से पावर को यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर कुछ ऐसा सीन होने वाला ना जो आप लोग देखो बस। यहाँ मेरे को बंदे का साउंड आया, मुझे लगा चलो इस बंदे को तो मैं इजी यहाँ पर मार दूंगा। और जैसे ना इस बंदे को यहाँ पर पावर मारने के लिए जाता हूँ, भाई ये बंदा कहाँ से आया, ये बंदा भाई कब से बैठा था पीछे मेरे। वाह मेरे भाई बहुत बढ़िया, मतलब खतरनाक सीन था। अब यहाँ पर इस गेम में तो मेरे को यहाँ पे 21 का प्रेस मिल गया था। अब ये वाला गेम है ना, इस गेम में था भाई चीटर, जो कि तुम लेफ्ट में नाम पढ़ना भी, DJ अंकुर YT, जो कि भाई बंदे पे भाई बंदा मारा जा रहा था, पूरी लॉबी की ये बाट लगा कर रखा था। अब यहाँ पर पहले मैं सर्वाइव करता हूँ, तभी ना मेरे को यहाँ पर बंदा दिखता है कि वो उड़ता हुआ आ रहा है। तो एक पल को लगा भाई हो सकता है चीटर है, तो जैसे ही मैं इसकी जाता हूँ ना, अब यहाँ पर मुझे डर लगा भाई चीटर ना हो, तो मैं अंदर आता हूँ। तभी लोड़ने यहाँ पे MG चलाता है और उसका साउंड सुनो। यहाँ पर मेरे को नाम लेके उसको यहाँ पर मौली भी ये बंदा मेरे पे कर देता। मैंने भाई क्या सीन कर रहा कि मैं जैकी हूँ, मैं उसको बताता भी हूँ। तभी मैं ऊपर निकलता हूँ और यहाँ पर एक बंदा ओवर होल्ड करके बैठा था ऊपर की साइड। भाई ये तो खतरनाक सीन हो चुका था मेरे साथ। मैं यहाँ पर थोड़ा इस वाले अंदर के आता हूँ और ये बंदे से बात करने के लिए अंदर आ जाता हूँ और इस बंदे से यहाँ पर बात भी करता हूँ। एंड बंदा यहाँ पर बोल भी देता है सॉरी। ग्लेशियर भी है ऊपर में, ऊपर में आऊं भाई। ये वीडियो डालोगे ना, ये वीडियो भाई जरूर डालना भाई। बिग फैन भाई, बिग फैन। अरे मार क्या, अरे अब इस घर में हम तीन बंदे थे, हम तीनों को पता था कि गेम में यहाँ पर चीटर है। अब एक बंदा ऊपर था, वो भी यहाँ पर अपने आप पर मीटअप करने के लिए आ जाता है। एंड जैसे ही बंदा बाहर जाता है ना,
ये बंदा भी यहाँ पर मर जाता है और ऊपर वाला बंदा भी किसी नेट से यहाँ पर मर गया था। अब अकेला इस घर में मैं बचा था, अब सिर्फ दो बंदे और बचे थे, एक तो भाई चीटर बचा था और एक बंदा और कहीं पर था, उसका मुझे यहाँ पर लोकेशन नहीं पता था। तो यहाँ मैं काफ़ी देर तक सर्वाइव करता हूँ एंड मुझे यहाँ पर पता था जैसे यहाँ पर 10 सेकंड बचे हैं, जैसे 10 सेकंड पूरे हो गए मुझे ऊपर की साइड निकलना है, क्योंकि मुझे अंडर 1% था कि अगर बंदा हैकर मेरे क्लोजिंग भी करेगा ना तो मैं नीचे से आए, तो मैं ऊपर निकलता हूँ। और बंदा भाई स्क्वाड हाउस में था जो कि चीटर था। अब दूसरे वाले बंदे का मुझे यहाँ पर लोकेशन नहीं पता था, यहाँ पर सिर्फ मेरे पे एक ही तरीका था, बस यहाँ पर वेट करो एंड देखते जाओ भाई क्या सीन होने वाला है। भाई जैसे ही हैकर किसी दूसरे वाले बंदे को मारता रहो या मैं, मेरे को यहाँ पर चिकन मिल गया था, क्योंकि वही वो जोन में यहाँ पर मर जाता है। और भाई क्या ही चाहिए था। और यहाँ पर कुछ ऐसी बात है ना, वो देखो भाई वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी, 2 किल थे और 2 किल के साथ तुम प्लस देखो यहाँ पे भाई 23 का प्लस मिल गया था। और क्या चाहिए मेरी जान, उसके 23 प्लस मिलने के बाद ना ये वाली क्लिप मैं क्यों डाल रहा हूँ वो भी आप लोग यहाँ पर सुन लो, क्योंकि जो बंदे मेरे साथ मीटअप करने के लिए आते हैं, जो बंदे भाई वीडियो देखते हैं बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं ना भाई, उसे दिल से बोल रहा हूँ भाई, बहुत 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 ज्यादा बड़ा थैंक यू आप लोग को जो कि मेरे को इतना ज्यादा सपोर्ट करते हो। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये थी कि इस बंदे ने मेरे को यहाँ पर चिकन दे दिया था। वीडियो चले गए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना गाइस, चल दाओ और मिलते हैं अपने इस वीडियो में। और आप लोग यहाँ पर बताना कि आप लोग को यहाँ पर टैग क्या चल रहा है।